ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जहां एक तरफ सभी पार्टियां आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में है, तो वहीं एनसीपी के कुछ नेता पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल हो चुके हैं, मगर अब एनसीपी के नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लग रहा है। ऐसे में एनसीपी नेता अजीत पवार की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में पूर्व उप मुख्यमंत्री एनसीपी के नेता अजीत पवार समेत 70 लोगों पर FIR दर्ज किया गया है। ये FIR सोमवार को दर्ज की गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता सुरिंदर एम अरोड़ा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 22 अगस्त को आदेश दिया गया कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में शामिल 70 लोगों पर FIR दर्ज की जाए, जिसके बाद 420, 506, 409, 465, 467 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस घोटाले में 2007 से 2011 के बीच आरोपियों के मिली भगत की वजह से बैंक को 1000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का आरोप है। 34 जिलों के विभिन्न बैंक अधिकारी इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि FIR में एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय सिंह मोहिते पाटिल, शिवसेना के आनंद राव का भी नाम शामिल है। बैंक घोटाले में 70 लोगों पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है। ये नुकसान चीनी मिल तथा कताई मिलों के ऋण देने और उनकी वसूली में अनियमितता के कारण हुआ है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।